नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ राखी लांबा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो फेम पाने के लिए खुद ही अपने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल वीडियो भी वायरल करके फंस जाते हैं, जैसा कि आगरा में एक महिला सिपाही के साथ हुआ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको पूरा मामला तफसील से बताएंगे। आखिर महिला सिपाही का वीडियो क्यों वायरल हो गया और आखिर क्यों वो फंस गई? हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी पे जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। महिला सिपाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरी यूनिफॉर्म में हाथ में रिवॉल्वर लिए महिला सिपाही एक गाने पर एक्टिंग कर रही हैं। 22 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका मिश्रा रिवॉल्वर दिखाते साफ साफ नजर आ रही हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, बल्कि महिला सिपाही के वीडियो के बहाने लोग यूपी पुलिस का मजाक उड़ाने लगे। सिपाही का वीडियो वायरल होते होते आला अधिकारियों के पास जा पहुंचा और इस वीडियो को देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए, बल्कि इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि आगरा के एसएसपी ने महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा को तुरंत लाइन हाजिर कर लिया। इसके साथ ही जांच के आदेश भी दे डाले। उसका पुलिस रिपोर्ट लेकर तुरंत उसका जो संज्ञान लेकर तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। उसका अभी जांच करवा रहा सीओ मैडम से, जांच कर रिपोर्ट लेकर उसका दोषी का आधार पर उनके डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसकी कार्रवाई करेंगे। अब महिला सिपाही को तो लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, जिसने महिला सिपाही का ये वीडियो बनाने के बाद अपनी रिवॉल्वर उसे दे दी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।